जी नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है 14.10 गल्वानोमीटर। जी गल्वानोमीटर क्या चीज़ है बच्चों? गल्वानोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करती है कि वहाँ पे करंट है कि नहीं। यानी सर्किट के अंदर अगर हमने करंट की डिटेक्शन करनी है तो हम गल्वानोमीटर जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी गल्वानोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द पैसेज ऑफ करंट, ओके। एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूजेस टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट, ओके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द गल्वानोमीटर। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट टू मेजर द पैसेज ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, ओके। सो इसकी जो प्रिंसिपल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द डेफिनेशन और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है बच्चों? बेसिक प्रिंसिपल इसका वही है जो कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, ठीक है। जब किसी भी कंडक्टर को जिसमें से करंट गुजर रहा हो उसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है? उस पर एक फोर्स लगती है जिसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स का। जी तो इसका प्रिंसिपल यही है, टॉर्क प्रोड्यूसेस इनसाइड अ कंडक्टर। आप ये भी कर सकते हैं अ डिफ्लेक्शन, ठीक है। टॉर्क की जगह पे आप डिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं। अ टॉर्क प्रोड्यूसेस इनसाइड अ कंडक्टर हैविंग करंट व्हेन प्लेस्ड इनसाइड। आप ये भी लिख सकते हैं अ टॉर्क प्रोड्यूसेस, ये इनसाइड की जगह आप ये भी लिख सकते हैं अ टॉर्क प्रोड्यूसेस ऑन अ कंडक्टर, ओके। या आप ये भी कह सकते हैं डिफ्लेक्शन। अब मैग्नेटिक फोर्स भी आप कह सकते हैं, अब फोर्स प्रोड्यूसेस अ फोर्स एक्ट अपॉन अ कंडक्टर हैविंग करंट, ओके। तो जिस तरह मर्जी लिख लें, कंडक्टर हैविंग करंट व्हेन प्लेस इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल बच्चों इसकी यही है कि जब किसी भी कंडक्टर को, मेरे पास ये कंडक्टर इसमें से करंट गुजर रहा, अगर इसे मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखता हूँ तो इस पर एक फोर्स लगेगी और फोर्स इस पर क्या प्रोड्यूस करेगी? टॉर्क। इसमें कपल प्रोड्यूस हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो वो टॉर्क जो है वो किसके इक्वल होगा अगर हम वो निकालना चाहें? वो जो टॉर्क है उसे हम टॉर्क कहेंगे, वो इक्वल होगा एन आई बी ए कॉस अल्फा के। तो बच्चों यहाँ पे एन जो है ये है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टर लूप जो भी है, आई उसमें से गुजरने वाला करंट है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ए इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कॉयल लूप जो भी है, एंड कोस थीटा, कोस अल्फा। अल्फा जो है यहाँ पे वो एंगल है जो कि प्लेन ऑफ द कॉयल या प्लेन ऑफ द कंडक्टर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू द बी मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। यानी कि हमारे पास प्लेन ऑफ द कंडक्टर है और इस साइड पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये उसकी प्लेन है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा, ठीक है। सो गल्वानोमीटर की ये बेसिक प्रिंसिपल थी कि उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा जब कोई भी करंट कैरिंग कॉयल, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है जब हम से रखेंगे इनसाइड द मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि गल्वानोमीटर क्या है, ठीक है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो उसको हम देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी ड्रा की हुई है यहाँ पे उसकी डायग्राम, आपकी बुक के अंदर भी सेम टू सेम है यही है। तो बच्चों गल्वानोमीटर जो है किन किन चीज़ों पर कंसिस्ट होता है, किन चीज़ों से मिलकर बनता है उसको हम देखते हैं। गल्वानोमीटर में सबसे पहले
मतलब एक हमारे पास यू शेप में मैग्नेट लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट यू शेप में, ठीक है, उसके जो दोनों पोल हैं वो कनकेव होने चाहिए, यानी कि ये कनकेव पोल्स हैं, कनकेव पोल्स, ठीक है, यानी इस तरह ये कनकेव शेप में, इसी तरह इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, ये कनकेव शेप में और यू शेप के अंदर जो कनकेव शेप के उसके पोल्स हैं और यू शेप के अंदर जो है पूरे का पूरा मैग्नेट आपका पड़ा हुआ है. ओके, सो इसके अंदर हमने रखी हुई एक क्वाइल, रेक्टेंगुलर क्वाइल है, वो रेक्टेंगुलर क्वाइल सी है, रेक्टेंगुलर क्वाइल, रेक्टेंगुलर क्वाइल सी है जो के कॉपर की बनी हुई है, कॉपर की रेक्टेंगुलर क्वाइल ली है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स एन है. उसको हमने एक ऐसे ऐसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर वाउंड किया हुआ है, उसे हमने उसके ऊपर उसको हमने वाउंड इस तरह किया है कि आपके पास ये रेक्टेंगुलर बन जाए, इस तरह करके इसके ऊपर आप वाउंड कर दें और उसका एक फ्रेम जो है, यानी वो जो फ्रेम है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का है जिसके ऊपर हमने उसकी तार को रैप किया हुआ है, वाउंड किया हुआ है, ठीक है, वायरिंग उसकी की हुई है ऐसे. तो वो ये वाली चीज़ है, उसके अंदर जो है हमने ये जो डी है ये वाला, ये हमने रखा हुआ है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म, ठीक है, आयरन का है, सॉफ्ट आयरन का जो है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल फॉर्म में सॉफ्ट आयरन को रखा हुआ है हमने, ठीक है. इसका काम क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आनी है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जानी है, यहाँ से इस तरफ, ये उसको यूनिफॉर्म बनाता है, ठीक है, मैक्सिमम उसको ऑब्जॉर्व करता है मैग्नेटिक फील्ड को और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है. यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने आयरन सिलेंड्रिकल फॉर्म में आयरन रखा हुआ है जो कि इस शेप के अंदर बी के अंदर भी दिखाया गया है, जैसे कि ये दो पोल्स थे, ठीक है, इसके अंदर सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारा ये आयरन, सॉफ्ट आयरन का सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने ये मटेरियल रखा हुआ है और इसके अंदर हमने क्वाइल, ये ऊपर वाले हिस्से से, ये अपर व्यू है, ठीक है, अगर हम ऊपर से देखें ना तो ये अपर व्यू में ये क्वाइल का ऊपर वाला एज नजर आएगा, ऊपर वाला हिस्सा, और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में नीचे का जो है वो क्या है, वो सॉफ्ट आयरन रखा गया है जो कि इस फील्ड को रेडियल बनाएगा. रेडियल किस तरह, इस तरह, ठीक है, ताकि मैक्सिमम फील्ड जो है वो पास आउट हो किस में से, रेक्टेंगुलर क्वाइल में से, इसलिए हमने इसको यूज किया है सॉफ्ट आयरन को सिलेंड्रिकल फॉर्म में. ओके जी, तो ये होगी, और ये हमने एक लीडिंग वायर ली है, ठीक है, लीडिंग वायर का मतलब ये भी कॉपर की बनी हो सकती है या किसी भी एनामल मटेरियल की. ये लीडिंग वायर जो है इसे हम एफ कहेंगे, सस्पेंडेड वायर है, इसके साथ हमने अटैच किया हुआ है एक मिरर, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है मिरर का ये हम बाद में देखेंगे. ये मिरर अटैच इसके साथ, और जो लीडिंग डाउन है हमने इस वायर को स्पाइरल फॉर्म में बनाया हुआ है, जैसे स्प्रिंग की फॉर्म है, ठीक है, और ये भी करंट लीडिंग के तौर पे काम करती है, यानी एक कनेक्शन हमने यहां पे देना है, दूसरा कनेक्शन टर्मिनल का यहां पे देना जहां से हमने करंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, और ये स्पाइरल फॉर्म में है, ठीक है, ये इसकी ट्विस्ट अनट्विस्ट करने के लिए ई जो है यहां पर. तो ये एज अ होल अरेंजमेंट है इसकी, ये मैंने यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ये एस आना है साउथ एक्चुअली, ठीक है. ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ होल गैल्वेनोमीटर. इसमें यू शेप के अंदर जो, यानी कि यू शेप का मैग्नेट है और उसके पोल जो है कनकेव शेप के हैं, इसके अंदर रेक्टेंगुलर क्वाइल जो है जो हमने बनाई हुई है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम नॉन मेटेलिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का फ्रेम लेके उसके ऊपर वाउंड किया हुआ है हमने कॉपर वायर को. इसके अंदर हमने यू शेप का जो है उस फ्रेम के अंदर जो है कॉपर वायर जो क्वाइल बन गई है उसके अंदर यू शेप का जो है सिलेंड्रिकल शेप के अंदर जो है हमने एक्चुअली वो आयरन सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर उसके अंदर इंसर्ट किया ताकि रेडियल फील्ड हो सके, हमारी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम रेडियल हो सके और मैक्सिमम उसमें से फील्ड गुजरे और यूनिफॉर्म फील्ड रहे. और हमने एक कॉपर वायर ली हुई है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, एफ जो लीडिंग डाउन वायर है हमारी सस्पेंशन वायर है, इसके साथ हमने अटैच किया हुआ मिरर जो कि डाउनवर्थ आगे स्पाइरल फॉर्म में हमने इसको शेप दी हुई है और ये ट्विस्ट अन ट्विस्ट करने के लिए. ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं इसका फंक्शन के जो गैल्वेनोमीटर है ये किस तरह वर्कआउट करता है, इसको देखते हैं.
तो बेसिक प्रिंसिपल को ही फॉलो करते हुए इस गैल्वेनोमीटर ने काम करना है बच्चों. यानी जब हम क्या करेंगे, जब इस कनेक्शन देंगे यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें से करंट गुजरेगा. जब करंट गुजरेगा तो ये लीडिंग वायर है, करंट लीडिंग वायर इस कॉइल में से भी क्या गुजरेगा, करंट गुजरेगा. ठीक है, इस कॉइल में से जब करंट गुजरेगा तो इसकी प्रोड्यूस होगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड. ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है एज कम्पेयर टू द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुई है. ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फोर्स लगेगी और टॉर्क प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो उस टॉर्क को हम नाम देंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो बच्चों वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैंने पहले भी लिखा था, वो था एन आई बी ए कॉस अल्फा. अब यहां पे अगर हम देखें अल्फा जो है, ठीक है, अल्फा जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड, तो ये पैरेलल हिस्सा है. ठीक है, यानी जो हमारी क्वाइल है, एरिया ऑफ द क्वाइल जो है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है. तो थीटा जो अल्फा है एक्चुअली वो कितने डिग्री बना रहा है, जीरो डिग्री. थीटा किस पे लाई कर रहा है, जीरो डिग्री पे. यानी कि कॉस जीरो क्या होता है, अगर यहां पे हम जीरो डिग्री लिखें, कॉस जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, वन के. ठीक है, यानी कॉस जीरो वन आ गया, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं वन के साथ. यानी वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर वन कह दें आप. ओके, जैसे ही बच्चों कॉइल जो है इसमें क्या आएगी, इसके अंदर जैसे ही टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कपलिंग प्रोड्यूस होगी, ये ट्विस्ट करेगी. ठीक है, जैसे ही ये ट्विस्ट करेगी, अब उसकी वो साइड जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास नहीं हो रही, ठीक है, तो कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी. जैसे ही एक ट्विस्ट आएगी तो ये जो लीडिंग वायर है हमारी, स्पाइरल वायर डाउनवर्ड जो है, ये इसको क्या करेगी, बाद में अनट्विस्ट करेगी. यानी एक दफा इसने ट्विस्ट होना है, फिर इसने अनट्विस्ट होना है. तो वो अनट्विस्टिंग जो टॉर्क होगा उसे कहते हैं टॉर्शनल टॉर्क, या टॉर्शनल कपल भी कहते हैं. टॉर्शनल कपल जो प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, इसको हम नाम देंगे रिस्टोरिंग टॉर्क का. रिस्टोरिंग टॉर्क, तो बच्चों वो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है, अगर हम उसको देखें तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, थीटा के. यानी कि इसके अंदर जितना ट्विस्ट पैदा होना है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है उसके थीटा के. और इस रिस्टोरिंग टॉर्क को सी से कहेंगे और ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, थीटा के. ठीक है, सो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है जो है सी थीटा के. थीटा जो है ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. यानी जितनी ये डिफ्लेक्ट होगी ड्यूरिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, जितना ये डिफ्लेक्ट होगी जितने एंगल पे, उतने ही एंगल पे वो रिस्टोर भी होगी. इसलिए हम कहते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो है ये इक्वल होगा एंगल ऑफ प्रोपोर्शनल होगा, एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. ओके, सो वी कैन राइट दिस एज अ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ. ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, जो उसकी जो वायर है उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर. अब जितनी सी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सी हमारे पास जो है ये है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर. ठीक है, ये जो है कॉन्स्टेंट सस्पेंशन ऑफ द वायर, इसको नाम देते हैं टॉर्शनल कपल का. ये एक्चुअली टॉर्शनल कपल है आपकी, जो हमने यहां पे लिखी है. ये टॉर्शनल कपल जो है ये एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, इसलिए हम इसके साथ लिखा हुआ है. तो ये प्रोपोर्शनल कपल कहलाती है उस वायर की जो है टॉर्शनल कपल है, एक्चुअली ये प्रोपोर्शनल टू द थीटा है. तो अब ये जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही हमारा क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क. और ये जो प्रोपोर्शनल टू द थीटा है एक्चुअली ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है. और ये जो सी है हमारी टॉर्शनल कपल जो है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट. यानी ट्विस्ट पर यूनिट को कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ट्विस्ट पर यूनिट का मतलब है, या ट्विस्ट पर एंगल भी इसे कह सकते हैं, ट्विस्ट पर डिफ्लेक्टिंग एंगल. ठीक है, ट्विस्ट पर डिफ्लेक्टिंग एंगल, या इसकी बुक के अंदर आपको लिखा है कपल फॉर यूनिट ट्विस्ट, या नंबर ऑफ कपल, या जो आपकी कपल प्रोड्यूस है, या कपल पर
ट्विस्ट, ठीक है, इसको ये भी कहते हैं. अब ये दोनों जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल होगा रिस्टोरिंग टॉर्क के, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं एन आई बी ए इक्वल्स सी थीटा. ठीक है, तो यहां से आई निकालना है क्योंकि आई ही डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर, तो ये तीनों टर्म जो हैं एन बी ए नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगी, एन बी ए, ठीक है, और यहां पर थीटा लिख लें, ये इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी. अब बच्चों इक्वेशन नंबर टू जो है ये हमें क्या बताती है, इक्वेशन नंबर टू में अगर देखें सी भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, ए भी क्या है कांस्टेंट है, जबकि थीटा जो है ये कांस्टेंट नहीं है, यानी कि जितना उसमें से करंट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के. यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं के I is directly proportional to the theta. ठीक है, अब ये टर्म हमें क्या बताती है कि करंट जो उसमें से गुजरना है वो proportional to the angle of deflection है. ठीक है, अब इस angle of deflection को मालूम करने के दो तरीके हैं, इस angle of deflection को दो तरह से मालूम किया जा सकता है. ठीक है, और वो दोनों तरीके जो है एक professionally है और एक आप lab के अंदर भी मालूम करते हो. पहला तरीका जो है वो ये है कि सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को यूज करके जो है हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं इस थीटा को, मेजरिंग थीटा. जी पहला मेथड है सेंसिटिव सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, जी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर यूज करके. सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या चीज है, इसकी डायग्राम आपकी बुक के अंदर भी बनी है. यही ये सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट जो होता है, यही क्वाइल, यही मिरर, यही सारे सारी अरेंजमेंट जो है ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लेके हम इसके आगे एक डिवाइस रखते हैं. वो डिवाइस कुछ इस तरह है, रफ सी डायग्राम में बनाऊंगा इसकी. क्या आपके पास इसके ऊपर एक लाइट प्रोजेक्टिंग गन होती है, ठीक है, और इसके ऊपर लगा होता है एक स्केल और उसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं, ग्रेडिंग की होती है उसके ऊपर. अब बच्चों क्या होना है, जब यहां से हमने एक पल्स भेजनी है, लाइट की एक पल्स जो है हमने यहां से रे ऑफ लाइट भेजनी है, तो उसने जाके क्या होना है मिरर के ऊपर हमने इसको शाइन करवाना लाइट को. ठीक है, एक पल्स जो है लाइट की शाइन करवानी है, उस लाइट ने रिफ्लेक्ट बैक होना है. ठीक है, अब इस अरेंजमेंट को कुछ इस तरह रखा जाता है कि ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसको 1 मीटर यानी इसके दरमियान जो टोटल डिस्प्लेस डिस्टेंस है वो 1 मीटर का होगा. 1 मीटर दूरी के ऊपर इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को और ये मेजरिंग डिवाइस जो है इसको. ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है. इलेक्ट्रॉन गन का मतलब एक आपके पास लाइट डिवाइस होती है, लाइट प्रोड्यूस करने वाली, ठीक है, सोर्स होता है, सोर्स ऑफ लाइट होता है, जहां से एक पल्स जाती है, ठीक है, बीम ऑफ लाइट जाती है, वो उस मिरर के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और उसी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करते हुए वापस जो है इसके ऊपर जब वो हम उसे टारगेट करवाते हैं, बैक टारगेट इसके ऊपर करवाया जाता है, फिर हम इसमें से जैसे ही करंट गुजारते हैं तो इसके अंदर ट्विस्ट पैदा होती है. ट्विस्ट होने से ये जो लाइट है ये स्वीप होगी इसके ऊपर. ठीक है, पहले इस पॉइंट पर पड़ी, फॉर एग्जाम्पल जब वापस आएगी इस पॉइंट के ऊपर पड़ी है यहां पर, ठीक है, जीरो पॉइंट इसे कह ले कि आपके जो स्केल है ट्रांसलूसेंट स्केल है जैसे एक पैमाना होता है, ठीक है, उसके ऊपर डिग्रीज होती है, जिस तरह आपके क्लोज के अंदर डिग्रीज होती हैं इसी तरह यहाँ पे डिग्रीज होती हैं. जैसे ही लाइट पहले जो है कोई इसमें से करंट नहीं गुजरा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, हम लाइट जो है डिफ्लेक्ट होती है तो इसके जीरो पॉइंट पे फॉर एग्जांपल गिरती है या किसी भी पॉइंट पे, वो इसका इनिशियल पॉइंट होगा. ठीक है, फिर दोबारा जो है जैसे ही लाइट हम हिट करवाते हैं किस केस के अंदर, उस केस के अंदर
जबकि इसमें जो करंट गुजरा होगा, ठीक है, जब इसमें से करंट गुजरेगा तो क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी. ओके, जब ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी तो ट्विस्ट आएगा, तो ये मिरर भी थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा. ठीक है, जैसे मिरर ट्विस्ट करेगा तो ये रे ऑफ लाइट जो है आपकी स्वीप होगी, ट्रैवर्स होगी, ये मूव करेगी यहां तक या इधर उधर. ठीक है, हम उस डिस्टेंस को जो है, उस डिस्प्लेसमेंट को जो है वो मेजर कर लेंगे. ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्पॉट ऑफ लाइट को जो है स्केल के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के. ठीक है, यानी कि वो जो स्केल का जो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के. उस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जो कि ऑन द ट्रांसलूसेंट स्केल जो है वो लाइट स्वीप करेगी. ठीक है, तो इस तरह हम वो जो है वो अगर माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर अगर हम यहां से करंट गुजारा है तो फ्यू मिली मीटर्स के अंदर जो है, फ्यू मिलीमीटर जो है डिफ्लेक्शन होती है. अब फ्यू मिलीमीटर्स, ठीक है, मिलीमीटर्स के अंदर ये डिफ्लेक्शन होगी. इसके अलावा दूसरी जो अरेंजमेंट है बच्चों, वो आपके स्कूल कॉलेज की लैब के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम देते हैं पिविटेड गल्वानोमीटर का. उसकी डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, उसमें भी हम जो है थीटा जो है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मालूम करते हैं. तो उसके अंदर जो आपका गल्वानोमीटर होता है वो उसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही एडजस्ट होता है, उसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही होता है. जैसे कि आपकी बुक के फिगर नंबर 14.18 के अंदर जो है वो डायग्राम कुछ इस तरह से बनाई गई है, ये उसी तरह की कुछ मिली जुली डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा मैं, तो उस तरह करके ना कुछ आपका पिविटेड गल्वानोमीटर होता है, इसके ऊपर स्केल होती है, ये स्केल इसके ऊपर लगी होती है, और यहां पे जो है हमने दो स्पाइरल, मैं आपको उसकी डायग्राम सारी बताता हूं कि दो और इसके साथ जो है यहां पे एक, बल्कि यहीं के इसी से आगे जो है एक नीडल होती है. बहरहाल ये डायग्राम जो है इस तरह की डायग्राम की बुक के अंदर बनी हुई है. ठीक है, इसी से मिलती जुलती वो साइड पे लिया मैंने, इसके ऊपर इसे ड्रा किया कि वो थ्री डायमेंशन के अंदर दिखाई गई है, तकरीबन थ्री डायमेंशन उसका व्यू दिखाया गया है. यहाँ पे बनाना जो है, ड्रा करना इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स टाइम टेकिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है. अच्छा जी, इसका जो ये वाला हिस्सा होता है ये आयरन कोर है, सिलेंड्रिकल आयरन कोर, उसी तरह जिस तरह इसके अंदर है. ठीक है, ये आयरन कोर कहलाता है इसका. तो यहाँ पे जो है हमने बॉल बेयरिंग जो होते हैं, ठीक है, ज्यूल्ड बेयरिंग जो है वो हमने यहाँ पे दिए होते हैं, ज्यूल्ड बेयरिंग्स, यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी क्वाइल है, ये वाली क्वाइल जो है ये ज्यूल्ड बेयरिंग होती है. अप एंड डाउन दो बेयरिंग, बॉल बेयरिंग छोटे छोटे होते हैं, उसके अंदर से जो है हमने वायर जो है उसको निकाली होती है, और इसको हमने अटैच किया होता है दो हेयर स्प्रिंग के साथ. ये दो हेयर स्प्रिंग्स हैं, यानी बहुत पतले पतले से स्प्रिंग्स होते हैं, ये दो हेयर स्प्रिंग है अप एंड डाउन पे, ये करंट लीडिंग का काम भी करते हैं बच्चों. ठीक है, और इन स्प्रिंग का काम क्या है, यहां पे तो टोर्शनल जो कपल थी यहां पे रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो जाती थी अनट्विस्ट करने के लिए इस वायर के अंदर. ठीक है, इस तरह के जो गल्वानोमीटर है, जो पिविटेड गल्वानोमीटर है जो आपके स्कूल या कॉलेज लैब के अंदर पड़ा होता है, उसके अंदर इसको अनट्विस्ट करने के लिए, इसको अनट्विस्ट करने के लिए इस तरह गल्वानोमीटर की जो क्वाइल होती है उसको अनट्विस्ट करने के लिए उसको हम यूज करते हैं. यहाँ पे दो हेयरिंग स्प्रिंग यूज किए जाते हैं, जैसे वो ट्विस्ट आते हैं तो स्प्रिंग जो होता है वो टाइट हो जाता है, उस दोबारा वो ऑटोमेटिकली लूज होता है, अनट्विस्ट करता है. ठीक है, नंबर ऑफ कपल जो है पर ट्विस्ट के तौर पे, तो इसमें ये करंट लीडिंग का काम भी करते हैं. यहाँ पे टर्मिनल्स भी होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका फंक्शन उसी तरह ही है. इसके ऊपर जो है, इसी क्वाइल के ऊपर जो यहाँ पे जो है एक नीडल लगी होती है, वेरी वेरी थिन, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल एंड थिन जो है एल्यूमिनियम क्वाइल की जो है, एल्यूमिनियम फॉइल की सॉरी, जो नीडल लगी होती है जो स्केल के ऊपर जो है वो ट्रैवर्स होती है, स्केल के ऊपर जो है वो मूव होती है. ठीक है, जैसे ही ये क्वाइल ट्विस्ट होती है तो ये जो नीडल है एल्यूमिनियम की वो इसके ऊपर ऐसे मूव करती है. ठीक है, सो इसमें जैसे ही करंट गुजरेगा, और इसके ये अपर स्प्रिंग है, ये लोअर स्प्रिंग है आपका, ये परमानेंट यू शेप का मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट होगा. ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल आयरन कोर है, इसके अंदर हमने
कॉइल जो है रखी हुई है और उसके दो लीडिंग पॉइंट, जैसे एक ये था एक ये लीडिंग पॉइंट था, अप एंड डाउन जो है ये हमने हेयर स्प्रिंग के साथ जो है अपर लोअर स्प्रिंग के साथ रखा हुआ है, जो इसको अनट्विस्ट करेंगे, जैसे ही कॉइल ट्विस्ट होगी इसको अनट्विस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जी क्या है इसके ऊपर नीडल लगी हुई है जो कि इसकी डिफ्लेक्शन को इस रीडिंग के ऊपर जो है क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की जो गैल्वेनोमीटर है ये आपके लैब्स के अंदर जो है ये यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की, यानी कि अगर हमने माइक्रोएम्पियर्स के अंदर जो है फ्यू माइक्रोएम्पियर्स के अंदर अगर हमने करंट का जो है मेजर करना है, तो आप किस तरह जो है अपने गैल्वेनोमीटर को मोर सेंसिटिव बना सकते हैं। ठीक है, मोर सेंसिटिव का मतलब है लार्ज डिफ्लेक्शन, यानी फ्यू मिलीमीटर्स फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर, मिली एम्पेयर्स के अंदर अगर आप करंट गुजारें, ठीक है, और उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन हो, तो उसका मतलब है आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या है, मोर सेंसिटिव है। यानी लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर आ फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स और मिली एम्पेयर्स करंट्स के अंदर जो डिफ्लेक्शन आ जाए आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो आपकी नीडल जो है, आपकी जो कॉयल जो है डिफ्लेक्ट, और आपकी नीडल जो है वो फुल डिफ्लेक्शन शो करे ऑन द गैल्वेनोमीटर मीटर। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों आप देख सकते हैं उसी इक्वेशन को जो हमने इक्वेशन जहाँ पे लिखी थी, इक्वेशन नंबर 2 थी C ओवर N B A और यहाँ पर था थीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर देखिए कि हमारा आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एंगुलर रिफ्लेक्शन के, यानी फ्यू मिली एम्पेयर्स के अंदर करंट गुजरे और ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर को मोर सेंसिटिव बना सकते हैं। यानी सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर टॉपिक है ये, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हम किस तरह कर सकते हैं, आप अगर देख सकते हैं तो यहां पे हमारी सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोर्शनल टॉर्क के सी के। ठीक है, अगर हम सी की वैल्यू को जो है सी की वैल्यू को कम कर लें, डिक्रीज कर लें, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ट्विस्ट जो है हमारी, उसको अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, सी जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी नंबर ट्विस्ट ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो सी का जो है डिक्रीज करने का मतलब है कि हम इस वायर को जो है इसका डायमीटर अगर थिन कर लें, ठीक है, इसके डायमीटर जितना थिन होता जाएगा, ये वायर जितनी थिन होती जाएगी उतनी ही नंबर ऑफ ट्विस्ट क्या होती जाएंगी, ज्यादा होती जाएंगी। ठीक है, तो सी जो है इसको अगर हम कम करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों, सी को अगर हम कम करेंगे तो हमारा आई जो है ज्यादा होगा। ठीक है, यानी टॉर्शनल टॉर्क जो है जितना हम ज्यादा डिक्रीज सी वैल्यू जितनी कम कर लें उतनी ज्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो सी की वैल्यू को दो तरह से हम जो है इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ ऑफ द वायर एंड बाय थिनिंग द डायमीटर, और बाय डिक्रीजिंग द डायमीटर, थिनिंग द जो हमारा जो जो यहाँ पे वायर है उसको ज्यादा थिन कर लें तो उसका डायमीटर जितना कम उतनी ज्यादा ट्विस्ट ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो इसका बैकड्रॉ ये है, इसका नुकसान ये है कि अगर हम इसको ज्यादा थिन करते जाएंगे कि लिमिट तक थिन कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर हम इसको थिन कर देंगे तो क्या होगा कि ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट जो है ये कैस्केड हो जाएगी। ठीक है, कैटास्ट्रोफिक हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, टूट जाएगी, ये कॉयल जो है सस्पेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके साथ मिरर भी होगा, ये इसको बियर नहीं कर पाएगी, विद होल्ड नहीं कर पाएगी, टूट जाएगी। दूसरा ये है कि अगर हम जो है कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स जो है इस पूरी क्वांटिटी को अगर हम इंक्रीज कर दें, इसको हमने डिक्रीज करना है, इसको हमने क्या करना है, इंक्रीज। ठीक है, अगर हम इस पूरी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तब भी हमारी जो वैल्यू जो है जितना डिनोमिनेटर डिक्रीज होता जाता है उतनी ही वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, आपको पता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम एन नंबर ऑफ टर्न्स जो है बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा, हमारी जो कॉयल है ये लोडेड होती जाएगी, ये क्या होती जाएगी, लोडेड होती जाएगी, जितनी ज्यादा ये लोडेड होती जाएगी उतनी ज्यादा हैवी हो जाएगी, ये ट्विस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसको भी हम एक लिमिट तक जो है लोड कर सकते हैं। इसी तरह एरिया जो है वो भी हम एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ट्विस्ट आना मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है, उतना जी हम बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर को हम किस तरह सेंसिटिव बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हम सी की वैल्यू को डिक्रीज करके या नीचे वाली डिनोमिनेटर वैल्यू को हम इंक्रीज करके, सी यानी टोर्शनल टॉर्क को जो है हम टोर्शनल कपल को जो है हम किस तरह डिक्रीज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ
of the wire, leading wire, and by decreasing their diameter. अगर उसकी diameter को decrease करके उसकी length को increase कर दिया जाए, तब भी C की value क्या हो जाती है? Decrease हो जाती है, ठीक है? It is not a solution, okay? So the basic solution जो है इसकी sensitive galvanometer को ज़्यादा से ज़्यादा sensitive बनाने का वो ये है बच्चों कि अगर हम जो नीचे वाली term है NBA यानी number of turns मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द कॉइल जो है इसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना ही इंक्रीज हो जाएगा यानी कि उतना हमारा जो गलवानोमीटर है सेंसिटिव हो जाएगा अगर हम फ्यू माइक्रोएम्पियर्स में करंट गुजारते हैं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आ जाएगी ठीक है सो एन अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है एन इंक्रीज करने से बच्चों उसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ जाएंगी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से मुराद है कि वो हैवी होती जाएगी कॉइल लोडेड होती जाएगी जितनी ज्यादा वो लोडेड होती जाएगी उसको ट्विस्ट कराना उतना ही मुश्किल हो जाएगा ठीक है सो इसको हम एक लिमिट तक जो है हम इसको लोड कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं बट नॉट फ्रॉम बियॉन्ड द लिमिट दूसरी जो है अगर हम बात करें एरिया की तो एरिया भी हम एक खास लिमिट तक जो है एरिया को बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें उतना यू शेप का मैग्नेट चाहिए होगा एक परमानेंट मैग्नेट जो है यू शेप का चाहिए होगा और जितना ज्यादा फ्रेम उसका बढ़ता जाएगा कॉइल का एरिया बढ़ता जाएगा उतने ही ट्विस्ट कराना भी मुश्किल हो जाएगा ठीक है तीसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो है बी मैग्नेटिक फील्ड हम उसको जो है अपनी मर्जी से जितना मर्जी स्ट्रांग बना लें जितना ज्यादा उसको हम स्ट्रांग बनाएंगे उतना ज्यादा ही हमारा जो गलवानोमीटर है वो सेंसिटिव होता जाएगा सो दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ा दें ठीक है क्योंकि ये बाकी टर्म्स सी ए और एन जो है एक लिमिट तक हम बढ़ा सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन बी को जो है हम अपनी मर्जी से मैक्सिमम जो है बढ़ा देंगे जितनी ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी ठीक है उतनी ही ज्यादा सेंसिटिविटी ऑफ द गलवानोमीटर होगी सो इसका मतलब ये है कि गलवानोमीटर को हम सेंसिटिव कैसे बना सकते हैं बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स बाय इंक्रीजिंग द एरिया एट स्पेसिफिक लिमिट बट इंक्रीजिंग द But increasing the magnetic field strongly, but making the magnetic field very strong, and by increasing the length at some limit and decreasing the diameter of the wire at set some limit. Okay, so the next point जो है इसी के अंदर आपके galvanometer के अंदर आपने याद रखना है वो ये है कि galvanometer ठीक है इसके अंदर जैसे ही couple produce होगा ठीक है wire ने क्या करना है ट्विस्ट अनट्विस्ट यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आ जानी है ठीक है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आ जानी है अब जब तक ये ऑसिलेशन आएगी हम वेट करते रहेंगे कि ये स्टॉप हो हम रीडिंग लें ठीक है तो दिस इज अ प्रॉब्लम ठीक है इट्स टाइम टेकिंग इट्स टाइम कंज्यूमिंग वाइल ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इट्स टाइम कंज्यूमिंग पैरामीटर कि हम जैसे ही इसमें से करंट गुजारा करंट स्टॉप हो गया ठीक है तो हमने वेट करना है कि कब जो है ये ट्विस्ट करना रुके और हम नेक्स्ट रीडिंग लें ठीक है सो इट्स आर एम्बेरसिंग थिंग ओके इरिटेटिंग थिंग सो और जैसे ही दोबारा फिर जो है ड्यूरिंग द ट्विस्टिंग आपने करंट गुजारा स्टॉप कर लिया ट्विस्ट हो रही है थोड़ी बहुत ट्विस्ट लगी है फिर एकदम से रश कर जाए इसमें से करंट तो अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन से फिर क्या कर जाएगी ठीक है वायलेट कर जाएगी रश कर जाएगी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोबारा फिर ट्विस्ट करना शुरू कर देगी ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों हमें वेट करना पड़ता है इसके बजाय कि हम वेट करें हम जो है इसको एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जो है ठीक है एक्सटर्नल एड के थ्रू जो है आर्टिफिशियली जो है हम जब इसमें से करंट गुजारेंगे या करंट स्टॉप होगा इसमें जो नंबर ऑफ ट्विस्ट जो है उसको स्टॉप करने के लिए जो उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को जो है इसकी क्वाइल को जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए हम आर्टिफिशियली एक्सटर्नली जो है इसको हम स्टॉप करते हैं ठीक है उससे कहते हैं क्विक स्टॉपिंग क्या कहते हैं उसे क्विक स्टॉपिंग मतलब ये क्विक स्टॉपिंग जो है ऐसा गलवानोमीटर जिसमें क्विक स्टॉपिंग हो उसकी वाइब्रेशनल या उसकी जो ट्विस्टिंग कॉइल को स्टॉप करने के लिए ऐसा गलवानोमीटर उसको हम एक नाम देते हैं स्पेसिफिक नेम होता है उसको नाम देते हैं डेड बीट गलवानोमीटर का डेड बीट गलवानोमीटर डेड बीट इसे कहते हैं डेड बीट गलवानोमीटर ठीक है ओके और दूसरा नाम इसका क्या है जी दूसरा नाम इसका यह भी है स्टेबल गलवानोमीटर स्टेबल
गलवानो, तो इसका दो नाम है, डेड बीट गलवानोमीटर या स्टेबल गलवानोमीटर। ठीक है, ऐसा गलवानोमीटर जिसमें करंट व्हाइल द द कॉइल कम्स टू रेस्ट क्विकली, ओके, द टाइप ऑफ गलवानोमीटर इन विच द कॉइल कम्स टू रेस्ट क्विकली आफ्टर और बिफोर पैसेज ऑफ द करंट, सच अ टाइप ऑफ गलवानोमीटर इज नाउन एज डेड बीट गलवानोमीटर और अ स्टेबल गलवानोमीटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर एम डी कैट और ई कैट टेस्ट। ठीक है, एम डी कैट और ई कैट के क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वट इज डेड बीट और वट इज अ स्टेबल गलवानोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो गलवानोमीटर ही से एक्सट्रैक्टेड, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। उस मीटर को हम कैसे सर्किट के अंदर यूज करें, तो उससे हम क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, हम उससे करंट, वो तो पता है पैसेज ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है, उसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट जिसे हम नाम देते हैं एम मीटर का। ठीक है, उसी गलवानोमीटर को कुछ किसी मॉडिफाइड फॉर्म में ला के उसके साथ कुछ अरेंजमेंट्स करके सर्किट के अंदर इस तरह इंप्लीमेंट करें, उससे हम उस सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना उसको मालूम कर सकते हैं, यानी एज अ वोल्ट मीटर के तौर पर यूज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम जो है उसी गलवानोमीटर में उस सर्किट की जो टोटल इंपीडेंस, उसकी जो एक्चुअली रेजिस्टेंस है सर्किट की, वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको एज अ हम ओहम मीटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। एंड एट द एंड जो है हम देखेंगे उस गलवानोमीटर को एज अ हम जो है एवोमीटर, ठीक है, यानी एम्पेयर वोल्टेज ओहम, ठीक है, एवोमीटर के तौर पे, जिसे मल्टीमीटर का नाम देते हैं, कि उसका हम क्लासिकल फॉर्म और उसकी जो डिजिटल फॉर्म है विच करंटली प्रेजेंट, ओके, विच करंटली यूज नाउ डेज, उसको हम देखेंगे। ठीक है, कि वो किस तरह यूज करते हैं, दीज आर सम टाइप्स आप कह लें, ठीक है, या उसकी एप्लीकेशन ऑफ गलवानोमीटर, ये इसी के अंदर आता है।